उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर का वीडियोग्राफी सर्वे शनिवार सुबह कड़ी सुरक्षा के बीच एक बार फिर शुरू हो गया था, जबकि सर्वे रविवार को यानी कि आज भी जारी रहेगा। वहीं वाराणसी के जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया कि कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर की वीडियोग्राफी की गई और करीब 50% सर्वे का काम पूरा हुआ। इसके साथ उन्होंने कहा कि सर्वे का काम कल यानी आज भी जारी रहेगा। वहीं सर्वे के पहले दिन मिली मगरमच्छ की खूबसूरत मूर्ति की जमकर चर्चा हो रही है। ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर के सर्वे के दौरान मिली मगरमच्छ की मूर्ति इतनी खूबसूरत थी कि काफ़ी देर तक सभी एकटक उसे देखते ही रह गए। इससे एक बात साफ होती है कि उस समय के कारीगरों की कलाकारी बहुत उच्च दर्जे की थी। इसके साथ सर्वे में मंदिरों के टूटे हुए शिखर के काफ़ी टुकड़े भी मिले हैं। आपको बता दें कि सर्वे का काम शनिवार को सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक ही किया गया था। इसमें सभी पक्षकार और उनके अधिवक्ता और सहायक मौजूद रहे। सरकार की तरफ से पक्षकार राज्य सरकार, जिलाधिकारी वाराणसी, पुलिस आयुक्त, काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टी मौजूद रहे। वाराणसी के जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया कि आज की कार्यवाही में सभी पक्षों ने न्यायालय के आदेश का पालन किया। लगातार 4 घंटे के सर्वे में लगभग 50% से अधिक स्थानों का सर्वे किया जा चुका है। आपको बता दें कि शनिवार को 1500 से अधिक पुलिसकर्मियों और PSP जवानों को ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर की सुरक्षा में तैनात किया गया था। अधिकारियों के मुताबिक ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर के 500 मीटर के दायरे में लोगों की आवाजाही रोक दी गई थी। पुलिस ने गोदोलिया और मैदागिन इलाके से वाहनों की आवाजाही भी प्रतिबंधित कर दी गई थी। ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर में प्रवेश करने से पहले हिंदू पक्ष के अधिवक्ता मदन मोहन यादव ने कहा था कि कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा ने सर्वे टीम के सभी सदस्यों को सुबह 7:30 बजे विश्वनाथ मंदिर परिसर के गेट नंबर 4 पर उपस्थित होने का निर्देश दिया था। ज्ञानव्यापी मस्जिद प्रतिष्ठित काशी विश्वनाथ धाम के करीब स्थित है और स्थानीय अदालत महिलाओं के एक समूह द्वारा इसकी बाहरी दीवारों पर मूर्तियों के सामने दैनिक प्रार्थना की अनुमति मांगने से जुड़ी याचिका पर सुनवाई कर रही है। जिलाधिकारी ने इससे पहले कहा था कि शुक्रवार को सभी संबंधित पक्षों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी, जिसमें उनसे अदालत द्वारा गठित आयोग के काम में अवरोध उत्पन्न न करने और कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग देने की अपील की गई थी।